का नाम परवीन कुमारी है, ये गांव थरियाल से हैं। सिस्टर के हार्ट में दर्द होती थी, बहुत दर्द होती थी, ये बहुत परेशान थे। इन्होंने ईसीजी करवाई तो डॉक्टर्स ने इनको बोला कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो सिस्टर ने यकीन नहीं किया, वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने भी यही कहा कि आपकी रिपोर्ट में आपके हार्ट प्रॉब्लम है। तो आपको डॉक्टर्स ने MRI करने के लिए बोला। तो सिस्टर का बेटा जो आर्मी में है वो घर पे आया, उन्होंने बोला कि मम्मी मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, वहाँ आपकी MRI कराएंगे। तो सिस्टर जलंधर बाईपास पठानकोट बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ सिस्टर को एडमिट कर लिया गया, MRI करी। और सिस्टर के बेटे को डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी मदर की एक नस डेड है और दूसरी कमज़ोर और बंद हो चुकी है, ब्लड पास नहीं हो रहा। बेटा डर गया, डॉक्टर्स ने कहा सिस्टर को स्टंट टलेगा और ऑपरेशन भी होगा। तो सिस्टर ने वहीं पर परमेश्वर से प्रार्थना करी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो परमेश्वर, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे कोई सर्जरी नहीं करानी। तो डॉक्टर्स ने बेटे से लिखवा लिया कि अगर आपकी माँ को कुछ हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि सिस्टर ने घर आने का फैसला कर लिया था परमेश्वर के साथ। उसके बाद सिस्टर घर आई तो सिस्टर की बहू ने परमेश्वर के दास से सिस्टर की लगातार प्रार्थनाएं सुबह शाम करवानी शुरू कर दी। उसके बाद सिस्टर ने भी खुद से प्रार्थना करी और परमेश्वर पर विश्वास रखा, पूरा यकीन रखा। उसके बाद सिस्टर का ब्रदर आया, उन्होंने रावी हॉस्पिटल में दोबारा इनके चेकअप करवाए, MRI फिर से करवाई। तो डॉक्टर्स ने बोला कि एक नस में रास्ता बन गया है और ब्लड पास होने लगा है। अब आप मुझे बताइए ये रास्ता किसने बनाया? ये रास्ता हमारे परमेश्वर ने बनाया। जहां इतना बड़े सर्जरी और स्टंट होना था, परमेश्वर ने सिस्टर को आंच भी नहीं आने दी और आज सिस्टर आपके सामने खड़ी है, बिल्कुल सही सलामत है।